इंदौर नगर पालिका निगम में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को काम बंद कर प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी अपर आयुक्त कृष्ण चौतन्य के व्यवहार से आक्रोशित है। गुस्साए कर्मचारियों को शांत करने के लिए सभापति अजय सिंह नरुका को भी मोर्चा संभालना पड़ा। इंदौर नगर पालिका निगम में सोमवार को हंगामा चलता रहा। मामला रविवार को राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ अपर आयुक्त कृष्ण चौतन्य की विवादित बैठक से जुड़ा है। कर्मचारियों का आरोप है कि अपर आयुक्त ने उनके साथ बैठक में अभद्र व्यवहार किया, साथ ही सभी पर सामूहिक इस्तीफे का दबाव भी बनाया। अपर आयुक्त के व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने रविवार को भी हंगामा किया था, जो सोमवार को राजस्व विभाग के मुख्यालय तक जारी रहा। सोमवार को राजस्व विभाग कर्मचारी सुबह से काम बंद कर प्रदर्शन करते रहे। वसूली के लिए आए थे सर समीक्षा लेने। 10 मिनट पहले उन्होंने हमारे आरओ साहब को फोन लगाया और बोला कि 10 मिनट में सभी बिल कलेक्टरों को बुला लीजिए आप। 10 मिनट में सभी बिल कलेक्टर उपस्थित हुए। 10 मिनट में कोई भी बिल कलेक्टर उपस्थित कैसे होंगे? अब कहीं कोई फील्ड में, फिर भी हम जहाँ थे वैसे थे। और कल रविवार का दिन था, अवकाश के दिन में, फिर भी हम आए। और उसके बाद उन्होंने समीक्षा स्टार्ट की, बोलते हैं कि आपकी, मैं 15 तारीख को आया था, प्रगति क्या है? राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी अपना काम पूर्ण ईमानदारी से, मेहनत से, और विगत 2-3 साल से संडे बिना छुट्टी मनाए लगातार अनवरत करते आ रहे हैं। और रेवेन्यू को करोड़ों रुपये रेवेन्यू सालाना, 50-50 करोड़ रेवेन्यू, इसी पूरी रेवेन्यू की टीम ने बढ़ाया है। और माननीय अपर आयुक्त राजस्व द्वारा अभी विगत 2-3 माह से प्रत्येक घर 100-100 घर जाने का बोला जा रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि हमारा एक एक प्रत्येक कर्मचारी 30-40 घर आराम से जा रहा है, नोटिस लगा रहा है। और रेवेन्यू 75 से 1 करोड़ तक लगभग रेगुलर राजस्व विभाग की आय बढ़ा रहा है। उसके बाद भी माननीय अपर आयुक्त संतुष्ट नहीं है। और सभी जोनों पर कभी भी अकस्मात समीक्षा करते हैं, संडे को समीक्षा करते हैं, जो कि बंद होना चाहिए। समीक्षा में अनर्गल बातें की जा रही हैं, मतलब अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। राजस्व कर्मचारी दिन भर अपनी वसूली करके शाम को घर लौट रहा है, घर से बुलाया जा रहा है कि शाम को 7 बजे समीक्षा है, आप आइए और जवाब दीजिए। तो यह सब प्रताड़ना का रूप है। हमारे 2 कर्मचारी अभी हृदयघात से शिकार हुए हैं, परेशान हुए हैं। और ऐसे सारे राजस्व विभाग के कर्मचारियों में बहुत रोष है, और इतना रोष है कि आज सबको काम बंद करना पड़ा। माननीय हमारे राजस्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पप्पू सिलावट जी हैं, और सारे पदाधिकारी और सारे ARO's और बिल कलेक्टर वसूली साहिब यहाँ उपस्थित हैं, और माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। हमारी मांग भी है कुछ कि हमारा प्रत्येक बिल कलेक्टर कम से कम रोज 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसको वाहन भत्ता मिले। अभी उसको साइकिल भत्ता 150 रुपये मिल रहा है। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए खुद सभापति अजय सिंह नरुका को मोर्चा संभालना पड़ा। कर्मचारियों से चर्चा के बाद अजय सिंह नरुका ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच मध्यस्थता कर मामले को शांत किया जाएगा। अजय सिंह नरुका ने ये भी कहा कि काम के दबाव में कई बार ऐसे हालत बन जाते हैं। मीडिएटर नहीं है, मेरा दायित्व भी है, संस्था हमारी है। और संस्था में अगर किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप आता है तो उसको दूर करना हमारा दायित्व बनता है। हमारे सब जो कर्मचारी हैं, जो राजस्व विभाग के अंदर हैं, ये लोग लगातार, हम सब देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से, कई समय से लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं। और इनके हार्डवर्क का, इनका परिश्रम का परिणाम है कि हमारा राजस्व बढ़ रहा है। और ये बात जरूर है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर किसी प्रकार का उनके ऊपर ओवरलोड आता है। और छुट्टी का एक विषय जैसे आया कि सप्ताह के अंदर एक छुट्टी होना चाहिए, तो ये नियम में है कि किसी भी कर्मचारी को 8 दिन हम काम पे नहीं ले सकते हैं। लेकिन सर, बड़े बगायेदारों के लिए तो बड़े अधिकारी